ये देखना भाई, अभी ये आएगा पराठा गुड़ के हमारे पास। ये देखो हाय मज़ेदार भाई, एकदम फायरिंग पराठास बन रहे, एकदम बढ़िया से तवे पे। एकदम कड़ी हुई चाय बन रही है, कॉपर के बर्तन के अंदर बन रही है, फर्स्ट क्लास एकदम। देखो भाई साहब ये, ओ भाई ये फ्लाइंग पराठा है क्या है भाई, हैं फ्लाइंग पराठा कहते इसे। तो भाई सफदरजंग हॉस्पिटल में खड़े हैं और ये आ गया भाई फ्लाइंग पराठा। गेट नंबर 6 के बाहर है और आप मेला देख सकते हो, मेला लगा हुआ है। इस टाइम पे आलू पराठे बढ़िया से दबा के लोग खा रहे हैं। आलू पराठे, अंडा पराठा, जौन सा पराठा बोलोगे वो पराठा यहाँ मिलेगा। और इस टाइम बज रहे भाई रात के 8 से 9 बज रहे हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे पराठा। दिल्ली की सर्दी के अंदर ना इससे बढ़िया आइटम मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। ये देखो भाई, ये आलू की स्टफिंग करके ये पेड़ा बनाया जा रहा है। और ये भैया जो अंडा पराठा होता है उसके अंदर आलू की स्टफिंग भी होती है? आलू के पराठे में अंडे थे। अच्छा, ये आलू के पराठे में स्टफिंग होती है उसके अंडे की? हाँ। क्या बात है भाई। अरे देख लो भाई, पेड़े इतने मोटे मोटे हैं और आप देखो जनता खड़ी हुई है अपना ऑर्डर के लिए। ये देख सकते हो भाई, भाई ये साथ में क्या मिलता है इसके? मिर्ची का अचार है, हरी चटनी है भाई साहब। ये देखो भाई चटनी वटनी देखो, बटर वटर पड़ा हुआ फर्स्ट क्लास और साथ में चाय और ये पराठे लगे हुए हैं। ये डबल अंडे का बनाए भैया, हमारा भी डबल अंडे का बनाना है ठीक है। अब इसके ऊपर आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर पराठे उड़ उड़ के गिर रहे हैं। जी हाँ, ये पराठे उड़ उड़ के गिर रहे हैं यहाँ पे। और ये भाई कौन गिर रहा है, ये पीछे वाला गिर रहा है। ये देखो भाई, ओ दूसरा तवा भी स्टार्ट हो चुका है इनका। अभी फ्लाइंग देखना, एक बढ़िया सी फ्लाइंग आएगी। ये देखो ये भैया उड़ाएगा, ये फ्लाइंग देखना, अभी सबसे बड़ी फ्लाइंग है। ये देखो भाई साहब, मैंने केरला का एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक बंदा पराठा उड़ाता है, ये तो उससे भी बड़ा लग रहा है। ये देखना, ये आगे भाई एक और, इसे कहते हैं असली फ्लाइंग पराठा। और आप देखोगे ना, हर पराठे की जौन सी शेप है वो एकदम सेम है, गोल पराठे और बड़े बड़े पराठे है। पूरा पूरा का पूरा तवा भर जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड है बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे सर्दी के अंदर ना लोगों को आलू प्याज के पराठे मिल जाए, अंडे का पराठा मिल जाए, साथ में गरम गरम कुल्हड़ वाली चाय, दोनों चीज़ें इनके पास यहाँ पे मिलेगी। और ये भाई पराठे बना रहा अंडे के, बढ़िया। ये नॉन वेज वाला तवा है, वो वेज वाला तवा आप देख सकते हो। वहाँ पर सारे के सारे आलू वगैरह के, आलू पनीर के हैं और यहाँ पे जो उनसे यहाँ पे सिर्फ अंडे के पराठे बनते हैं। तो ये है भाई दोनों का हिसाब किताब। ये देखना भाई, अभी ये आएगा पराठा गुड़ के हमारे पास। ये देखो हाय क्या बात है भाई, सच में कह रहा हूँ इसको फुटबॉल ज्वाइन करवा दो, सही गोल मारेगा ये दूर से ही। अभी देख ला नीचे एकदम, तो पराठा यहाँ पे आएगा देखना। ये देखो ओए भाई, मतलब अगर बंदे का खाने का मन नहीं भी होगा ना, ये स्टंट देख के बंदा एक पराठा खरीद ही लेगा। ये आखिरी शॉट, ये लो भाई, ये प्रैक्टिस ना आपको बहुत सालों तक होती है, ये स्टंट ना बहुत सालों तक ही सीख पाओगे। मज़ेदार भाई, एकदम फायरिंग पराठास बन रहे, एकदम बढ़िया से तवे पे फ्लाइंग पराठा भाई। चाय तो ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये बढ़िया सी चाय एकदम कड़ रही है, अभी इन्होंने जस्ट रखी है, बढ़िया बना रहे बढ़िया से। ये क्या भैया, अदरक? भाई साहब पूरी भर के डाली है भाई ने अदरक बढ़िया से। और ये क्या क्या डाल रहे हैं बता दो एक बार, इलायची भी डाल रहे हो? काली मिर्च है, इलायची, काली मिर्च सब कुछ भाई। मतलब दिल्ली की सर्दी का पूरा एंटीडोट है आपके पास, मतलब ये पी करना सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी दिल्ली में, टेम्परेचर कम हो जाएगा मेरे को लग रहा है। ये देखो एकदम कड़ी हुई चाय बन रही है, कॉपर के बर्तन के अंदर बन रही है, फर्स्ट क्लास एकदम मज़ेदार। चाय कितने की आती है भैया? 15 वाली और 20 वाली है। कुल्हड़ में कौन सी आती है? छोटा बड़ा साइज है? अच्छा बढ़िया, तो एक काम करते हैं कुल्हड़ की चाय लेते हैं बढ़िया सी 15-20 रुपए वाली, और एक अपना लेते हैं अंडा पराठा। ये देखो भाई, भैया अंडा पराठा देना हमारा अमूल बटर के साथ। ये देखो भाई, चटनी, प्याज, हरी मिर्ची और पराठा डन, और उस तरफ चाय सेक्शन है कि नहीं बढ़िया। ये देखो चटनी, देखो चटनी, देखो एकदम बढ़िया चटनी है। और ये देखो अचार, ये मिक्स अचार है, साथ में वो बटर है, बट हम लेंगे अमूल बटर, ये वाला न्यूट्रीलाइट है, हम लेंगे अमूल वाला। ये देख
ये देखो भाई साहब, अंडा पूरा टूट चुका है और डबल अंडा लग रहा है, डबल अंडा। सर्दी इतनी ज़्यादा है भैया, अंडे चाहिए क्योंकि अंडे से ही गर्मी आएगी हमारे अंदर, साथ में चाय गरम गरम, मज़ेदार। भाई साहब अंडा तोड़ दिया, वो वाला तवा पूरा है वो पूरा अंडे का है, और ये वाला जोन सा है ये पूरा का पूरा वेजिटेरियन है। तो अगर आप कभी यहाँ पे आए ना, गेट नंबर 6 सफदरजंग हॉस्पिटल, इंजॉय करो, रात के 9-10 बजे तक जगह खुली हुई है, आराम से इंजॉय करो क्योंकि यही टाइम है पराठे खाने का दिल्ली के अंदर सर्दी के अंदर। ये देखो भाई मिर्ची का अचार भी आ गया, और देखो भाई ये भाई हरी चटनी मिक्स अचार और हरी चटनी और सॉरी हरी मिर्च और आ गया अमूल बटर, ये लग गया भाई 70 रुपये। आ जा फटाफट, चाय लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। विनोद कुमार, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मतलब आपको लगता है कि इतने रुपए में पेट भर जाएगा और क्वालिटी अच्छी है? 30 रुपए में ठीक है, एक आदमी का एक पराठे से पेट भर जाएगा। तो आप पहली बार आए या आते रहते हो? पहली बार आया हूँ। आप पहली बार आए, मतलब अगली बार जरूर आओगे? बिल्कुल। क्या बात है भाई, ये देखो भाई ये हमारा चाय भी बढ़िया लग रही है, कुल्लड़ की चाय है, इसकी कीमत है 20 रुपये। और साथ में देखो ये 2 मिर्ची दे रखी है, गाजर दिया हुआ है, अमूल बटर है, एक डबल अंडे वाला पराठा है और हरी चटनी है। इसकी कॉस्ट है 70 रुपये और ये है 20 रुपये, मतलब 90 रुपये मेरे लग चुके हैं। अगर आप देखोगे ना तो हर एक बंदा पराठा खा रहा, पीछे देख, अपने पीछे देख, काउंटर पे देख, ट्रक निकल रहे हैं, ट्रक भी साइड में रुक के खा रहे हैं, जो वैन वाले हैं माल लोड करते हैं वो भी रुक के खा रहे हैं। इस टाइम डिनर का टाइम हो गया और लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपना फूड। भाई हमारा अमूल बटर, ये देखो भाई साहब, ये आ गया हमारा अमूल बटर। हाँ हाँ हाँ, ये मिर्ची का अचार, सब कुछ आ गया, कुल्लड़ वाली चाय हमारी, तो इसे ट्राई करते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ कि स्टफिंग जो है वो देखो पहले आप, ये देखो इसके अंदर आलू की स्टफिंग भी है और इसके अंदर अंडे की स्टफिंग भी है, और डबल अंडा है, सिंगल भी नहीं है, डबल अंडा है। इसको तोड़ो, फर्स्ट क्लास, मतलब ये आपका फेवरेट स्पॉट बन सकता है परांठे का। सफदरजंग गेट नंबर 6 भी आना है आपको इसके लिए। पूरा अंडे का पीस निकला है, मज़ेदार शॉट। ओ भाई साहब, भाई अदरक इलायची और जो काली मिर्च डाली है, मज़ा आ जाएगा, सीरियसली कह रहा हूँ, गारंटी है, एक चाय तो और बनती है इसके बाद। तो अगर आपको भी खाना है ना ये सब बढ़िया सा, इन्जॉय करना है फूड, तो आपको आना पड़ेगा सफदरजंग गेट नंबर 6, रात के 10-11 बजे तक खुला रहता है ये, और आके आप इसे इन्जॉय कर सकते हो। गाड़ी में बैठो, अगर आपको लगता है बहुत रश है तो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में आराम से यहाँ से लो और गाड़ी में बैठ कर आराम से खाओ गरम गरम, दिल्ली के मज़े, दिल्ली की सर्दी के मज़े एक्चुअली में यही है और कुछ नहीं है। तो आओ इसको इन्जॉय करो और हमें बताना आपको कैसा लगा।